हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दीपा। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दीपा ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या नाम है, पापड़ कैसे बनते हैं। ये सूजी का कुछ पापड़ बनाए हैं और कुछ चावल के आटों का पापड़ बना रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसको बिल्कुल बनाने का आसान तरीका है। चावल वाला जो है आटा को बिल्कुल बारीक करके, कैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि समझ लो मैं बिल्कुल पतला हलवा बनाती हूँ, वैसे हलवा की तरह बिल्कुल बना के पका के इसको बच्चों के कुछ टुकड़ों में काट के आपको छुपा देना। इसकी तिलौड़ी बहुत अच्छी लगती है लोगों को खाने में और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है। तो आप लोग बनाइएगा जरूर, देखिए कैसे बना रही हैं आंटी हमारी। और इधर मेरी एक पड़ोसन है, वो भी बना रही है, सब लोग मिलके बना रहे हैं सबसे। तो हम केला आप लोगों को दिखाते हैं, शेयर करते हैं। तो इधर ये क्या नाम है, सूजी का पापड़ बना के दिखा दिए हैं। इधर ये आलू का है पापड़, और इधर ये मार दूंगी, इधर ये चावल के आटों का है। देखिए चावल के आटे का कितना सुंदर सुंदर वो लग रहा है। तो आप लोग ये बना के ट्राई कीजिए, तैयार देखिए, अच्छा लगता होगा। इसमें कम तेल में भी आराम से फ्राई हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, पर ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोग खा के जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार अपने घर पर बना के। मैं तो बनाती हूँ कभी कभी जब भी समय मिलता है। तो ये तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसको सूजी का भी बना सकते हो। सूजी का भी बिल्कुल वही करना होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग हैं चावल का ही मतलब जो टुकड़ा होता है उसका भी बनाते हैं लोग। चावल के टुकड़े को भी बना सकते हो आप, और सूजी का बना सकते हो, मतलब जिसको जैसे पसंद है। आलू का भी बनाते हैं लोग अपना अपना। देखिए कितना सारा लोग बनाए हैं, इसमें रखे हैं बना बना के। आज की बहुत बढ़िया आ रही है, तो यहाँ पर सूख जाएगा आराम से 2-3 घंटे में। फिर उसको कल तेल में छान के आराम से खाना। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।